हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ऊपर। आज का हमारा सेशन है एनटीएसी की स्कॉलरशिप्स के एग्जाम्स के ऊपर, जो कि टेंटेटिवली नोटिफिकेशन काफी सारे स्टेट्स के अंदर आ चुके हैं, जिसका जो एग्जाम होने वाला है 1 नवंबर को होने वाला है काफी सारे स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर मैट का काफी बड़ा टॉपिक जो है मैट के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हमारी जो स्टार्टिंग है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में चित्रों की गणना, कि हमें फिगर्स दिए जाएंगे उनके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो ये टॉपिक रहेगा ये आपको मिनिमम जो रहेगा कम से कम कहीं पर ये 2 मार्क्स में आता है, कहीं पर ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आप इसका मान के चलिए कम से कम ये 2 से 5 मार्क्स का ये टॉपिक आपको आने वाला है। ठीक है, मिनिमम ये मान के चलिए इसका, और काफी जगह पर सिलेबस में नहीं होता है। तो बट जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और काफी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एसएससी एग्जाम्स की, जिस भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी तरीके से हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ज्यादा टाइम को गवाते हुए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन काउंटिंग। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले लाइन काउंटिंग, लाइन काउंट कैसे की जाएगी, तो उसी ऊपर हम फोकस करते हैं कि हाउ टू लाइन काउंट। तो लाइन काउंटिंग क्या होती है, जिसे बोलते हैं हिंदी में रेखाओं की गणना करना। ठीक है, जो गिवन लाइंस होंगी उनको, तो इस फिगर के अंदर कितनी लाइंस है ये हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहली बात है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है, देखिए किसी भी फिगर में कितनी लाइन है उसको कैलकुलेट करने का एक मतलब ये होता है कि वो फिगर कितनी लाइन से बन सकता है। ठीक है, कोई भी फिगर मिनिमम कितनी लाइन से बन सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितनी लाइन चाहिए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस फिगर में कितनी लाइन है, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, एक पेंटागन को बनाने के लिए कितनी लाइन चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितनी लाइन चाहिए, 5। तो जो पेंटागन है वो 5 लाइन से बन गया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो वैसे ही अगर जो फिगर हमें दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कितनी लाइन है उनको हमें काउंट करना पड़ेगा। पर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मेरे गिवन एग्जाम्पल की तरह नहीं होगा कि ट्राइंगल दे दिया और इस तरीके से दिया, वो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और इसको ऐसे ब्लो पूरा कंप्लीट कवर कर दिया। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर लाइंस काउंट करने जाऊं तो काफी स्टूडेंट होंगे इसमें काफी सारे डाउट्स जो होंगे उनको आएंगे कि लाइंस कैसे काउंट करें, इसको काउंट करें, फिर यहाँ से यहाँ काउंट करें, तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, देखिए। तो जब भी अगर आपको लाइन काउंट करनी है तो आपको फिगर के अंदर क्या चीज देखनी है कि कोई भी फिगर होता है वो अपने अंदर 3 तरह की लाइन्स को कंटेन करता है। ठीक है, 3 तरह की लाइन्स उसके अंदर होती है। पहली कौन सी, पहली होती है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्षैतिज रेखा। फिर होती है उसके ऊपर वर्टिकल लाइन। फिर थर्ड होती है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और डायगोनल, त्रिभुज वाली, ठीक है, तिरछी रेखा। तो देखिए अब इस फिगर में जो हॉरिजॉन्टल रेखा, देखिए तो एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की कितनी काउंटिंग होगी, 2। ठीक है, वर्टिकल देखिए, ये इज अ वर्टिकल और ये एक वर्टिकल है, ठीक है, 2 वर्टिकल हो गए हमारे पास। अब डायगोनल काउंट करते हैं, तो डायगोनल एक ये डायगोनल हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई, ठीक है, तो डायगोनल कितनी हो गई, 2। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है, इन 6 लाइन से ये फिगर बन सकता है। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 लाइन हो गई, जिससे क्वाड्रेटर बन गया, एक डायगोनल बन गया, 5th और 6th, इन 6 लाइन से बन रहा है। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई इस फिगर की, वो हो गई हमारी 6। ठीक है, कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन से इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें हमें लाइंस को काउंट करना है, ठीक है, क्या काउंट करना है, हमें इसको लाइंस में काउंट करना है कि इस फिगर में कितनी सारी लाइंस है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल काउंट करें, वर्टिकल काउंट करें और डायगोनल काउंट करें। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर देखेंगे वर्टिकल, फिर देखेंगे डायगोनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 और 2। कैसे, यहां से यहां तक जो है, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरी हॉरिजॉन्टल है, 1। ये दूसरी हॉरिजॉन्टल हो गई, 2। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल की काउंटिंग हो गई हमारी दो। वर्टिकल देखते हैं, देखो तो पहली वर्टिकल तो ये रही, दूसरी वर्टिकल ये रही, ठीक है, और थर्ड वर्टिकल ये रही। तो तीन खड़ी लाइन हो गई हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। और उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल्स की, ठीक है। डायगोनल्स देखो तो पहली डायगोनल लाइन ये, दूसरी डायगोनल लाइन ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो कितनी हो गई कुल मिला के चार। तो अगर इन सभी का एडिशन किया जाए 4 + 3 + 7 = 2, तो ये सम होता है 9। तो कितनी लाइंस हो गई हमारे फिगर के अंदर, वो हो गई 9 लाइंस, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फिगर में कितनी लाइंस है, 9 लाइंस है। तो काउंट करने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल तीनों को ऐड कर लो, तो हमारी लाइंस क्या हो जाती हैं, काउंट हो जाती हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें फिर से रेखाओं की गणना करनी है, मींस कैलकुलेशन ऑफ काउंटिंग ऑफ लाइंस यहाँ पे हमें करना है। तो किस तरीके से हम लाइंस को काउंट कर सकते हैं, हाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है। हाँ आई थिंक आप लोग आंसर निकल गया होगा, तो आंसर को मैच कर लेते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द डायगोनल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है हमारे पास, एक और दो, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल है, दो हॉरिजॉन्टल होगा हमारे पास दो लाइन। वर्टिकल कितनी है, वर्टिकल देखते हैं, देखिए वर्टिकल है एक लाइन और दो लाइन, दो तो हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल मिल गई एक और दो, वर्टिकल मिल गई दो, ठीक है। अब डायगोनल की बात आती है, देखो डायगोनल की काउंटिंग करने चलते हैं। तो एक डायगोनल ये, ठीक है, दूसरी ये, थर्ड, ठीक है, और एक फोर्थ, ठीक है, चार ही हो गई। और यहां से यहां तक जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको एक लाइन बोलते हैं, ये हो गई हमारी फिफ्थ लाइन, ठीक है। तो डायगोनल कितने काउंट हुए हमारे, फिफ्थ, 5 + 2 + 7 + 2 = 9। तो कितने लाइंस हो रही है हमारी इसके अंदर भी, ओनली 9, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सभी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट होगा। काउंट करना बिल्कुल आसान है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, सब काउंट हो जाता है। ओके, सो वी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग कैसे करेंगे इसको लाइंस काउंटिंग, वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर दें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल तीन चीजें काउंट करनी मेरे को। देखो हॉरिजॉन्टल कितनी है, एक लाइन, यहां से यहां तक ये दूसरी लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक है। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल हो गई तीन। अब देखता हूं वर्टिकल कितनी है, ये एक लाइन वर्टिकल, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, कैसे है? ये वाली और ये वाली, ठीक है, पूरी यहां से यहां तक की बात हो रही है। तो तीन मेरे पास वर्टिकल है। अब बात करी जाएगी डायगोनल लाइन, ठीक है, डायगोनल लाइन देखिएगा आप। तो एक डायगोनल लाइन ये है, दूसरी डायगोनल लाइन मेरे पास ये रही और थर्ड डायगोनल लाइन ये रही। तो इसका आंसर भी अगेन कितना हो गया, 3 का स्क्वायर मीन 9 इसका आंसर हो गया, क्योंकि तीनों का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल तीनों का एडिशन कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन कितनी आ गई, 9 आ गई। शायद इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके, दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस पर कि इसमें अगर हमें काउंट करना रहे, ठीक है, तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कितनी लाइंस हैं, ओके। तो वीडियो पॉज करके आप लोग चालू कर दें अपना आंसर निकालना। देखिए हॉरिजॉन्टल काउंट करनी है, वर्टिकल करनी है, डायगोनल करनी है। देखो हॉरिजॉन्टल कितनी कितनी है, एक, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन हमारे पास, 5 लाइन है, ठीक है। अब वर्टिकल काउंट करनी है, वर्टिकल देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 लाइन्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, 5 लाइन है। तो वर्टिकल हो गई हमारे पास 5 लाइन, ठीक है। डायगोनल देखो, देखो एक डायगोनल ये रही, ठीक है, ये डायगोनल है, तो दूसरी डायगोनल ये रही, तो दो डायगोनल हो गई। और इन तीनों का एडिशन करा जाए, ठीक है, इन तीनों का एडिशन किया जाए तो कितना होता है, 12।
तो नंबर ऑफ लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखिए लाइन काउंटिंग तक का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर की काउंट करना, ठीक है, वर्गों की गणना करना, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है, वर्गों की गणना करना। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की काउंटिंग करनी है कि गिवन फिगर में कितने स्क्वायर्स होंगे, पहली बात यह, ठीक है, गिवन फिगर्स के अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे ये हमें काउंट करना है यहाँ पे। तो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, देखिए देखिए गिवन फिगर के अंदर आपको स्क्वायर काउंट करना है तो आप कहेंगे सर कि हाँ ये तो सर 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा स्क्वायर, तो हमारे कितने स्क्वायर्स हो गए, 5 स्क्वायर्स हो गए, ठीक है, कितने स्क्वायर्स हो गए, 5 स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। तो यहां तो हमें समझ में आ गया कि हर 5 स्क्वायर हो गए। अब देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट फिगर आ गया एक और, ठीक है, अब इसकी काउंटिंग करनी है कि इसमें कितना है। ओके, तो इसमें काउंट करेंगे तो बहुत अच्छे से वैसे ही करना चालू कर देंगे कि भाई ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, 1, 2, 3। देखिए अभी यहाँ पर जब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि वर्गों की गणना लिखा है केस वन, केस वन का मतलब है कि पहला केस जिसमें कि रो और कॉलम दोनों की जो संख्या है, जो दोनों का नंबर्स है, दोनों का बराबर रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 है, उतना ही यहाँ पर है, ठीक है ना, एक ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट। इधर अगर ये 3 रोज हैं तो इधर की तरफ 3 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, तो इनके हमें काउंटिंग करना है कि इसमें कितने स्क्वायर है इस गिवन फिगर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए आप नंबरिंग कर लीजिए पहले 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपने नंबरिंग कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे हम इसके लिए अप्लाई करते हैं ट्रिक पहले, यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, 2 by 2 का ये हमारा क्या था, बॉक्स है, ठीक है। तो पहले क्या करिए, पहले नंबर का स्क्वायर करिए 1 स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करिए 2 स्क्वायर, ठीक है, अब और नंबर तो है नहीं, ठीक है, उतना मतलब और है पर वो हमारे काम के नहीं है क्योंकि हमें देखना है कि कितने रोज और कितने कॉलम है, ठीक है, तो 2 रोज तक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस 4 कितना आंसर आ गया, 5, तो अच्छा ऐसे आंसर आ सकता है, तो यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा इसका फाइनली 14। तो अगर हमें स्क्वायर की काउंटिंग करनी है जिसके अंदर हमारे रोज और कॉलम की संख्या अगर बराबर है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे काउंट कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो पहला केस तो आपके सामने है कि आप इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हो, क्लियर है। दूसरा केस पर चलते हैं हम लोग, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, दूसरे केस पर चलते हैं, ठीक है, देखो हाँ एक क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यहाँ पे पेपर था, जैसे कि ये फिगर है, साथ में क्या करेंगे हम लोग, हाँ मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ इसी के साथ, ठीक है, अगर अब आपको इसी की, हाँ अगर आपको अब इस देखो ये बॉक्स जो है 4 by 4 का बॉक्स हो रहा है और इसमें स्क्वायर काउंट करने है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, फटाफट से बताइए आंसर, वीडियो पॉज करिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप इसको, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, अरे सॉरी यहां तो गड़बड़ हो गया क्या, कि सर ये तो गजब हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जब अगर इस तरह का केस आता है, ठीक है, जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तब हमें इसके लिए नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जब हमारे रोज और कॉलम की संख्या अगर इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, नया मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसको हम अगले वाले पोर्शन में समझते हैं कि जब अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इट्स वेलकम इन द केस 2, ये आएगा हमारे किसमें, केस 2 के अंदर। तो केस 2 में हमें सब यहाँ पे समझते हैं कि केस 2 में कैसे जो है हमारे रोज और कॉलम अगर बराबर ना हो, ठीक है, तो और स्क्वायर की हमें काउंटिंग करनी पड़ रही है, ठीक, स्क्वायर की हमें काउंटिंग करनी पड़ रही है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके एक तरीका है, पहले तो आप नंबरिंग कर दीजिए सबसे पहले,
वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर कर दिया और यहाँ पे भी नंबर कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3x2 की मैट्रिक्स है, इसमें तीन तो रो है और दो कॉलम्स है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करते चलिए, सबसे हाईएस्ट है तीन, फिर उससे दो, ठीक है। इनका आंसर लिख दीजिए कितना आ गया, सिक्स। थ्री में से वन माइनस करिए और टू में से भी वन माइनस करिए तो कितना हो गया, टू, और वन में से टू में से वन माइनस करा तो कितना हुआ, वन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है, टू, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप टू में से वन माइनस करिए तो कितना आएगा, वन, ठीक है, और वन में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, जीरो। फाइनली क्या करेंगे, अब आप ऐड कर देंगे, सिक्स प्लस टू इज द एट, कितना हो गया, एट हो गया, ठीक है। मतलब इस गिवन फिगर के अंदर एट स्क्वायर्स होते हैं, कितने स्क्वायर्स होते हैं गिवन फिगर में, एट स्क्वायर्स होते हैं। कैसे देखें कि वन टू थ्री तो हमें दिख रहा है, ओके, और देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है, ये हो गए। अब हमें दो दो स्क्वायर्स को देखना है, एक तो ये वाला है, ठीक है, जो इन चार बॉक्स से बना है, ये सेवंथ हो गया, और एक बॉक्स है ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, तो ये एट हो गया, क्लियर है। तो दो कंडीशन हो गई हमारे पास, एक तो जब हमारे पास पहले कंडीशन हुआ है जिसमें रोज और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, दूसरा सीक्वेंस क्या है जिसमें रोज और कॉलम की जो नंबर से बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम उनको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, रो की जो नंबर है और कॉलम के नंबर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक दोनों में से माइनस करते हुए जो आंसर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन का उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हाँ, इसे क्वेश्चन क्या, आपको इसको सॉल्व करना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केस टू ही अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ कि केस टू का क्वेश्चन है, केस टू का ही आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे, देखिएगा क्या है, पहले नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले, तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, इस पर नंबरिंग कर लीजिए, वन टू थ्री, ठीक है, नंबरिंग हो गई। सबसे हाईएस्ट है फोर और थ्री, तो पहले फोर और थ्री का करिए मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हुआ, ट्वेल्व। फोर में से करिए एक माइनस थ्री, थ्री में से करिए एक माइनस टू, कितना हो गया, सिक्स। थ्री में से करिए वन माइनस टू और टू में से करिए वन माइनस वन, ठीक है, इसका आंसर कितना आया, टू। टू में से करिए वन माइनस वन, वन में से वन माइनस करिए जीरो, कितना आंसर आ गया, जीरो। अब सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है, हमें जीरो तक ही करना है, उसके आगे नहीं चलना है, ठीक है। तो देखिए 18 प्लस 12 इज 20, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स या वर्गों की संख्या बोले तो वो 20 है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये एकदम बेसिक पार्ट चल रहा है कि कोई भी फिगर हो उसको हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, ओके बेटा, हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चंस के ऊपर आती हैं, थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं कि हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के अंदर एक और इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, तो हमें स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, के चांसेस होते हैं, ठीक है, थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, तो ये जो फिगर है दोनों वो आपके 2x2 के, ठीक है, मतलब दो रोज हैं और दो ही उसमें कॉलम है, ठीक है, दो रोज हैं और दो ही उसमें कॉलम है, पहली बात ये है। अगर मैं दोनों फिगर्स को अलग अलग कर दूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, एक फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ छोटा वाला फिगर ये रहा मेरा और बड़ा वाला फिगर ये रहा, ओके। देखो अगर एक स्क्वायर होता था 2x2 का तो उसमें से कितने बनते थे, सर पांच, फिर छोटे वाले से भी कितने बनेंगे, पांच, ठीक है। अब वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि छोटे बड़े पूरे टोटल कितने बनेंगे, ठीक है, तो इससे बनेंगे एक दो तीन चार पांच और दूसरे से बन जाएंगे पांच, तो टोटल कितने हो गए हमारे, दस, ठीक है, तो टोटल काउंटिंग कितनी हो रही है हमारी यहाँ पे, टेन। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि यहाँ पे कितना हो गया हमारा, टेन हो गया, क्लियर। स्मॉल वाले का फाइव काउंट करे, बड़े वाले के हमने फाइव काउंट कर लिए, ठीक है, दोनों का एडिशन कर लिया, टेन हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, टाइम लीजिए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं हम लोग सॉल्व आराम से।
काफी लोगों के आंसर भी आ जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, देखिएगा काफी अच्छा फिगर है आपके सामने, एकदम बढ़िया नया लग रहा है। हाँ क्या करेंगे नंबरिंग, पहले इसके भूल जाइए इसमें कुछ बना हुआ है, ठीक है इसको भूल जाए क्योंकि ये बना हुआ है, इसको भूल जाए पहले तो, ठीक है सिंपल चलिए 1 2 3 4 अच्छा चार है, इधर भी कितना है 2 3 4 मतलब रोज और कॉलम बराबर है, तो क्या करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये करेंगे, ठीक है तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 ठीक है, इन सबका एडिशन कर देते हैं हम लोग, तो ये एडिशन करने पर कितना आएगा हमारा देखिए 9 प्लस 4 13 और एक 14 16 तो ये 30 हो गया, ठीक है तो ये तो हमारे इसका आ गया। अब छोटे वाले दो हैं, देखो ये दो छोटे हैं ठीक है, ऐसे दो बने हुए हैं हमारे पास क्लियर, तो एक से कितने बनते थे पिछले क्वेश्चन में देखा था 5 बनते थे, अब ऐसे कितने हैं 2, तो अब 2 से कितने बन जाएंगे 10 ठीक है, 2 से कितने बन जाएंगे 10, तो 10 और 30 का एडिशन कितना हुआ 40, 10 और 30 का एडिशन कितना हो गया 40 ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ सॉल्व। हो सकता है क्वेश्चन में आपको इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बेटा यहाँ पे जैसे कि कितना दिया है, यहाँ पे दिए हुए आपको एक ऐसे यहाँ पे एक यहाँ दे दे एक यहाँ दे दे चार भी दे सकता है, तो आसानी से आप कर सकते हो इसमें, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, हाँ रफ कर देता हूं, देखो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है यहाँ पर रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है हमको, कैलकुलेशन करनी है कितने रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जो है केस नहीं होता है, देखिए यहाँ पे हमको सिंपल होता है, तो अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 4 रेक्टेंगल, ठीक है कुछ कहेंगे सर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 6 रेक्टेंगल, बट जो इसका रियल आंसर है वो है हमारा कितना 9, कितना है 9 ठीक है, देखो कैसे है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक तो ऐसे बन गया इस तरीके से, ठीक है दूसरा ऐसे बन गया, थर्ड ये बन गया, फोर्थ ये बन गया, ठीक है सर हमें तो 4 ही दिख रहे हैं है ना, कुछ ऐसे कह रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे 1 2 3 4 4 ये भी बन गए, ठीक है तो अगर हम इसको काउंट करें तो इसके लिए पहले हमें क्लास 8 में जाना पड़ेगा जहां पे हमने कुछ चीजें पढ़ी है, ठीक है ना कुछ चीजें पढ़ी है, क्या पढ़ी है ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ठीक है सभी वर्ग क्या होते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं, तो मतलब कि जो यहां पर स्क्वायर दिख रहे हैं उन्हें भी हम रेक्टेंगल ही मानेंगे, स्क्वायर को भी हम क्या मानेंगे बच्चों रेक्टेंगल ही मानेंगे, ठीक है तो सर यहाँ पे हमें 4 स्क्वायर दिख रहे हैं और एक बड़ा दिख रहा है 5 ठीक है, तो 4 रेक्टेंगल दिख रहे थे, ठीक है तो टोटल मिला के कितने होते हैं 9 हो जाते हैं, टोटल मिला कितने होते हैं 9 हो जाते हैं, तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है निकालने का नंबरिंग कर दीजिए 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है देखिए यहाँ पे एडिशन कर लीजिए इस साइड में इन दोनों नंबर्स का 1 प्लस 2 3, इधर भी एडिशन कर लीजिए 1 प्लस 2 3, ठीक है तो 3 × 3 का करिए मल्टीप्लाई कितना आ गया 9, कितना आ गया आपका 9, तो इसका जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें बनने वाले हैं वो कितने हुए आपके 9, अरे बात समझ में बैठो तो कितने रेक्टेंगल्स होंगे इसके अंदर 9 रेक्टेंगल्स यहाँ पे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो रहा है, अब आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि कैसे इसमें कितने रेक्टेंगल निकालने हैं हमको, क्या करोगे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और इधर भी नंबरिंग कर दो 1 2, ठीक है ऐसे ही करनी है नंबरिंग आपको है ना, एक बार जो नंबर आ गया ऐसे करना है सेट यहां से इन सबको ऐड कर लो यहाँ पे, तो इसका एडिशन कितना हो गया 10, इनका एडिशन करो यहाँ पे कितना हो गया 3, ठीक है अभी तक 3 हो रहा है उधर 10 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10 कितना रेक्टेंगल हो गया आपके 30, बिल्कुल ईजी क्लियर है, रेक्टेंगल में कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल एकदम आसान है रेक्टेंगल काउंट करना, रेक्टेंगल के अंदर हमारे स्क्वायर भी काउंट हो जाते हैं। ओके आई थिंक बात समझ में आ रही होगी सभी को। ओके अब हम बात करेंगे देखो आयत में बने हुए त्रिभुजों की, ठीक है आयत में बने हुए त्रिभुजों की गिनती करना, देखो अब कैसे काउंट करेंगे हम यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर आयत है, ठीक है अब इसमें कितने बन रहे हैं देखो
कितने त्रिभुज बन सकते हैं? अगर आप देखोगे तो सर एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है, दो त्रिभुज बन गए और कितने बन रहे हैं भाई? दो बन रहे हैं। हमने बोला सर कितने बन रहे हैं? सर दो बन रहे हैं। अच्छा एक और दो, ठीक है दो बन रहे हैं, इसमें कितने बन गए भाई? दो बन गए। फिर एक और फिगर आई, दूसरी फिगर, अब इसमें कितने बन रहे हैं? सर इसमें चार बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? चार। दिख तो ऐसे रहे हैं बट ज्यादा बन रहे हैं, देखिएगा ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं। ये बेस है आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है चार तो छोटे छोटे बन रहे हैं। फिर ये एक पांच, फिर एक छ, ठीक है फिर एक सात और फिर एक आठ, ठीक है एक आठ बनेंगे। तो क्या करेंगे, हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, फोर का कर दो आप डबल, ठीक है कितना हो गया आपका? एट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन गए आपके? एट। नंबरिंग करके आप उसका डबल कर दो। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा, अब इसमें कितने बन रहे हैं? कितने? तो सबसे बढ़िया तरीका है क्या, नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हो गए? 8 का कर दो डबल, तो इट्स विल बी द 16, मतलब इसमें कितने बनेंगे आपके? 16 बन जाएंगे। तो कितने आसानी से मैंने पता कर लिया यहाँ पे कि इसमें कितने बन जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि हमें कैसे पता पड़ा यहाँ पर किसमें कितना है। तो पहले में दो, फिर इसमें चार, ठीक है इसमें आठ, इस तरह से बनते गए, क्लियर है। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट में। ठीक है लेट्स गो। देखिए अब हमारे सामने काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें आयत में बने हुए त्रिभुज की गिनती करनी है, ठीक है। अब ये फिगर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मोस्ट ऑफ जो फिगर बनता है वो ज्यादातर अगर आयत होगा तो भी इसको स्क्वायर कह सकते हैं कि और स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा इसमें कितने बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हैं। देखो पहला एक ब्लॉक देखो, यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक देखो, पहले इसे ही देखो। तो 1 2 3 4 चार लाइन्स हैं, तो चार का डबल कर दिया तो कितना हो गया इस ब्लॉक में? आठ लाइन, ठीक है आठ इसके होगा। फिर केवल इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के काउंट करो तो इसमें भी कितने होंगे? आठ। और इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक अगर काउंट करोगे तो उसमें कितने होंगे? आठ, ठीक है। तो टोटल मिला के इंडिविजुअल ब्लॉक से तो कितने मिल गए हमको? 24, क्योंकि 8 + 8 + 8 24 हो गए। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फिगर कंबाइन हुए हैं उनकी वजह से कुछ और रेक्टेंगल भी हमें मार्केट में दिखे, मतलब इस फिगर में दिखे, नॉट इन मार्केट, ठीक है यहाँ पे भी हमें दिखने लगे हैं। तो देखो पहला कौन सा हुआ? ये वाला, देखिए दो कंबाइन, एक फिर ये ऐसे करके ये दूसरा, ठीक है दो हो गया। फिर ये थर्ड और ये वाला फोर्थ, तो ये चार और यहां पर दिखे। तो 24 में आप 4 और ऐड कर दें तो कितने हो गए टोटल आपके पास? 28 रेक्टेंगल्स आपको यहां पर मिले। कितने मिले? 28। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब फिगर्स कंबाइन होंगे तो रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से निकाले कि इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। फिर यहां पे हमें देखना पड़ेगा ये इस तरीके से एक बना, ठीक है फिर दूसरा ये ऐसे बन गया, ठीक है फिर थर्ड वाला ये ऐसे बना और फोर्थ वाला वो ऐसे बना, क्लियर है। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स हमारे बने। तो स्टूडेंट स्टार्ट होता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है आपके सामने, कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब करते रहिए कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। हाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। हाँ ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए हाँ ऑप्शंस आपके सामने लिख देते हैं, क्या बच्चों के ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑप्शन लिख देते हैं कि हाँ 40 होगा, बी ऑप्शन देते हैं 51 होगा, सी ऑप्शन देते हैं 49 होगा, डी ऑप्शन देते हैं 50 होगा, ठीक है क्या ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शंस आर अवेलेबल, सब लोग ट्राई करेंगे। हाँ जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उन्हीं पे ही है, ठीक है। आई होप सभी का आंसर मिलने वाला होगा, देख लेते हैं क्या आंसर है। देखिए इंडिविजुअली अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा इसमें बनेंगे 8 इंडिविजुअली, इसमें भी 8 बनेंगे और इसके भी 8 बनेंगे, 8 इसके बनेंगे और 8 इसके बनेंगे, तो इनके मिला के कितने बन गए? 8 5 40, तो ये हो गए, ठीक है 40 हो गए। अब देखिए बाकी 40 हो गए, उसके बाद कॉम्बिनेशन से देखिए ये बन गया एक तो 41,
दूसरा हो गया हमारा 42, ठीक है, 42 हो गया, फिर 43 एंड द 44, ओके 44, उसके बाद देखिएगा, ठीक है 44 हो गया, 45, 46, 47 एंड द 48, ठीक है। हाँ दोबारा से एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके, देखो हाँ एक बार फिर से इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे बना ये सारा। ओके देखिएगा इसको कैसे काउंट करेंगे भाई, 8 तो आपको नजर मिल गया, देखो 1 2 3 4 5, तो इनसे तो 8 बन रहा है, ठीक है, तो 8 × 5 तो ये आपको 14 नजर मिल गए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में देखिए, ये एक बन गया 41, एक बन गया 42, ठीक है, ये वाला बन गया 43 और ये वाला बना है 44, क्लियर, ये बना 45, ये बना हमारा 46, फिर ये 47 और ये वाला 48, ठीक है 48 तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देखिएगा देखिए हम कैसे देखेंगे, ये देखिए तो 49, ठीक है 49 हो गया यहाँ पे, और एक ही हो गया हमारा 50, ठीक है 50 तक दिख गया, फिर ये वाला यहां से यहां तक का हमारा कितना बना 51, तो ट्राइंगल्स आर टू बी फॉर्म हियर इज अ 51, कितने ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, 51 ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को। ओके देखिए इज अ वन मोर ट्राइंगल हियर, हमारे सामने को एक और पिक्चर आ गई है, इसके भी हमें क्वेश्चन निकालने हैं। ओके देखिए इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, गिव्स योर आंसर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दैट फिगर, बहुत आसान है कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखिए पांच हैं, 1 2 3 5 ब्लॉक्स हैं, तो एक में 8 बनेंगे तो 5 ब्लॉक्स में कितने बने, 8 × 5 = 40, वीडियो पॉज करके भी खुद कर सकते हैं बच्चे आप लोग। देखिए उसके बाद यहां से कॉम्बिनेशन देखिए, एक इससे फिर 2 फिर 3 और 4, 5 6 7 और 8, ठीक है 8 और दिख रहे हैं तो प्लस 8 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 8 के बाद आपको दिखेगा इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट, ओके 9, और यहां से भी दिखेगा, ठीक है ये 2 ट्राइंगल और यहां पे एडिशनल हो गए तो कितने हो गए हमारे +2, तो कितने हो गए ये 8 40 8 और +2, तो इस विल बी द 50, तो ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं हमारे यहाँ पे 50 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है उम्मीद है सबके आंसर सही आ रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है बच्चों गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अंदर हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चंस के लेवल्स काफी अच्छे अच्छे होंगे देखिएगा, बट हम यहाँ पे अपना बेस कंप्लीट कर लेंगे किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए अब जैसे यहाँ पे ट्राइंगल्स हमें काउंट करने हैं, तो पहले फिगर के अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर के अंदर, तो देखिए इसमें एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और तीसरा ट्राइंगल ये रहा, ठीक है जो बड़ा वाला ट्राइंगल है थर्ड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल बिग ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सेकंड, और ये बड़ा वाला तीन, तो कैसे निकालेंगे 1 + 2 मतलब 3 ट्राइंगल मिल गए, कितना छट्री है यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो और यहाँ 3 लिखो, ऐड कर दो 1 + 2 + 3, तो आंसर इज द 6 ट्राइंगल यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, ठीक है क्योंकि अगर हमें ट्रिक पता होगी तो हम बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एनटीएससी में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और उनको करने के लिए आपके पास एक मिनट का ही टाइम है, मान के चलो बस 1 मिनट का ही टाइम है, ठीक है तो यहाँ पे सबको ऐड कर लो 1 + 2 + 3 + 4, ओके तो ये कितना हो गया, ये 100 ट्राइंगल्स, सॉरी 10 ट्राइंगल्स इस फिगर में बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे और 3 यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये इसका ट्रिक हो गया कि ट्राइंगल्स के बीच में ट्राइंगल वर्टिकल लाइन अगर डाली जाए तो इस तरीके से काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है वर्टिकल लाइन अगर डाली जाएगी तो हम ट्राइंगल्स को हिसाब से काउंट कर सकते हैं। ओके चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हमारे, अब देखिए वर्टिकल लाइन के साथ अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी पुट कर लीजिए, क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन के साथ हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पुट कर लिया, ठीक है हाँ ऐसी लाइन तो हमने पहले देख चुके हैं क्वेश्चन के अंदर कि भाई ऐसी लाइन थी, अब हमारे सामने इस तरीके से एक लाइन और यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है ये लाइन तो हम पहले पढ़ चुके हैं,
तो पहले आप क्या करेंगे, पहले वर्टिकल लाइन पे चलिए, देखिए वर्टिकल लाइन पे नंबरिंग करिए वन और टू, ठीक है। ठीक है, तो वन और टू इस हिसाब से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कितना होगा, ऐड कर लीजिए थ्री, तो तीन यहां बनेंगे, उसी हिसाब से तीन भी यहां पे ही बनेंगे, यहां पे भी नंबरिंग कर लीजिए कितने बने, तीन, तीन यहां पे बने, देखिए कैसे बन रहे हैं, एक दो और एक बड़ा वाला तीन, फिर यहां पे देखिए वन टू और एक बड़ा वाला तीन, तो टोटल मिला के हमारे इसके कितने ट्रायंगल बन गए बेटा, छह ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अब आपके लिए आया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बनाए कितने बन सकते हैं यहाँ पे, सभी लोग ट्राई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग कर दी वन टू थ्री, सर सिक्स होते हैं, सिक्स यहाँ सिक्स हो गए तो यहाँ पे भी सिक्स होंगे, तो टोटल कितना हो गया ट्वेल्व, बहुत ईजी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें तो। हाँ कितना मस्त है, वीडियो पोस्ट करके फटाफट करिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, आप लोगों को एनटीएसी के रेगुलर अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे, जब तक आपके एग्जाम आने वाली तब तक आपको सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। हाँ अच्छा इतना सा आ गया, गजब, वन टू थ्री फोर, ठीक है ऐड कर लो टेन, तो टेन यहाँ पे, टेन यहाँ पे और टेन यहाँ पे, टोटल मिलेंगे आपको थर्टी, कितने मिलेंगे बेटा आपको थर्टी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक मस्त तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लिया है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ऐड करना रहेगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ऐड करके उसका डबल कर दो उतने मिल जाएंगे उसके, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी हमेशा पूछा जा सकता है। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, आप लोग खुद ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, मैं काउंटिंग कर लेता हूँ पहले वन टू, ठीक है इधर काउंटिंग कर लेता हूँ और ये थ्री, क्लियर है। तो पहले मैं इधर काउंट करता हूँ, तो इस वाले पोर्शन में अगर ट्रायंगल काउंट करें, मैं केवल ये देखता हूँ कि मेरे फिगर में ये वाली लाइन और ये लाइन अगर नहीं है तो फिगर कैसा दिखाई देगा, जस्ट वो हमें ऐसा दिखेगा, देखिएगा वो ऐसा दिखेगा जस्ट, ठीक है ये ऐसा दिखेगा फिगर, क्लियर है बात समझ में आ रही है, ऐसा दिखेगा फिगर, हाँ अगर ये लाइन नहीं है तो मेरे पास, ओके। तो इसके साथ कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, देखिए वन और टू यहाँ रखा, ठीक है तो यहाँ बने बेटा मेरे तीन, और यहाँ पे फिर कितने बन जाएंगे तीन, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे तीन, ठीक है तो नौ तो ऐसे बन गए मेरे, कितने बन गए नौ बन गए, क्लियर। अब नौ बन जाने के बाद अब मैंने क्या करा, ये लाइन देखिए यहाँ पे, ये लाइन एक और ड्रॉ कर ली, एडिशनल लाइन है मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। हाँ अगर मैं काउंटिंग करने जाता हूँ तो उसमें क्या होगा, देखो ध्यान समझना, ठीक है मैं काउंटिंग करता हूं तो अब मेरे पास ट्रायंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, टेन इलेवन और एक पूरा ट्वेल्व, ठीक है। बट ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, इसमें मेरा डबल रिपीट हो रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हाँ कि यार कि डबल रिपीट क्यों होना चाहिए, हम तो सिंपली इसको पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, देखिए हाँ वन टू थ्री हमने कर दिया, ठीक है इधर ट्राइंगल काउंट कर लो कितने होते हैं, यहाँ पे तीन हो गए इस साइड पे, ठीक है इस साइड पे तीन, यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं तीन, और यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं तीन, ठीक है यहाँ पे देखो वन और टू यहाँ पे कितने हो गए थ्री, वन और टू यहाँ पे कितने हो गए आपके थ्री, ठीक है थ्री हो गए आपके ट्राइंगल। अब देखिए तीन 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 हो रहे हैं, अब उसके बाद यहां से केवल आपको एक ही ट्रायंगल मिलेगा, यहां से ये पूरा एक ही ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड कर लें फाइनली, ठीक है ऐड कर लें, तो ऐड करने से हमारा आंसर मिल सकता है, ठीक है क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ एज अ कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है आप लोग कमेंट करके बताएं कितना आंसर इसका आएगा, ओके हाँ बिल्कुल सब लोगों को इसका आंसर देना है, कमेंट करना है, ऐड कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए एक और हम मस्त टॉपिक, देखो इसमें एक और तरीके की वैरायटीज है यहाँ पे हमारे सामने, तो इस वैरायटीज को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इस वैरायटी को सोल्व करेंगे तो सिंपल फॉर्म समझो, ये ट्राइंगल वन ये टू ये थ्री और ये फोर और ये बड़ा वाला जो होगा वो फिफ्थ, कितने ट्राइंगल बन गए इस तरीके से, पांच बन गए, ठीक है अब पांच बन गए, अब ऐसा तो आएगा नहीं आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब करना क्या है, पहले तो देखो अंदर वाले को सोल्व करो, एक दो तीन चार इससे कितने बनते थे, यहाँ पे देखो ये फिगर यहाँ पे, तो इससे तो सर पांच बन गए, पांच बन गए, अब बाकी छ सात आठ और ये पूरा बड़ा,
मतलब चार और जोड़ लिए, कितने हो गए बेटा, नाइन ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं मैं ऐसा काउंट करके भाई, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आप लोग को ट्राई करें इस पे कैसे बनेगा। हाँ सभी लोग आंसर निकाल सकते हैं मस्त, देखिएगा कर सकते हैं सॉल्व। यहां पे इस तरीके से दो बन सकते हैं, यहां पे ये दो बन गए, ठीक है, तो इससे तो तीन ट्राइंगल यहां बन रहे हैं, ये लाइन से तीन ट्राइंगल यहां बन रहे हैं और तीन ट्राइंगल यहां बन रहे हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। और इससे जो से जो फिगर दी हुई है, ठीक है, उससे ट्राइंगल बनते हैं हमारे, जो अंदर वाला फिगर है इससे हमारे कितने ट्राइंगल बनते थे, पांच ट्राइंगल बनते थे, कितने बनते थे, पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है, पांच ही बन रहे हैं इससे, तीन तीन और तीन, ठीक है, मतलब थ्री आ रहा है, थ्री टाइम्स, नाइन प्लस फाइव तो फोर्टीन ट्राइंगल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, फोर्टीन ट्राइंगल्स हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसमें क्लियरली। तो इस टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है कि ये तो हमने पहले उससे सीखा कि वन और टू से थ्री हो गए, वन और टू से थ्री हो गए, थ्री हो गए, ठीक है, बाकी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ना, ये वाला तो क्या होगा इसका पांच हो जाएगा, तरीका बताया फिर। ओके चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पूछा भी जाता है ये वाले क्वेश्चन को। देखो उसकी काउंटिंग करनी है हम लोगों को। हाँ अब ये क्या है, यहाँ पे जो आपको फिगर दिया हुआ है वो एक क्या बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर है। देखो सिमेट्रिक मतलब कि जितने ट्राइंगल्स यहाँ बन रहे हैं, लाइन्स काउंट करो, एक दो तीन चार, ठीक है, चार इधर है, एक दो तीन चार, ओके बराबर है, मतलब इस साइड पर इस साइड पर लाइंस काउंट हो रही है और इक्वल है। तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, एक एक अच्छा फिगर हो गया जिसमें आप कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप काउंट करने चाहोगे तो देखो टाइम काउंट करोगे, एक ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गए 16 तक तो हमें दिख ही रहा है अच्छे खास है। अब इसके अलावा क्या होगा, ये कुछ जो है कॉम्बिनेशन से भी ट्राइंगल यहाँ बनेंगे, ठीक है, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन में देख रहे होंगे आप यहाँ पे 16 तक तो दिख गए, एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ऐसे दिख गया, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया 16 के बाद प्लस वन किया तो 17 हो गया। फिर और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग, देखिए तो और कॉम्बिनेशन अच्छा खासा ये बन रहा है एक, ठीक है, तो प्लस वन एक और कर लो तो 18 हो रहा है ना, 18 हो गया, फिर एक ये वाला हो गया 19, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, तो इस तरीके से मतलब हमें बन सकते हैं। तो देखो उसके लिए ट्रिक क्या है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको 1 2 3, ठीक है, हाँ एक बार थोड़ा सा ट्रिक समझ लो कैसे करेंगे हम इसको। देखो ट्रिक से समझो, ठीक है बेटा, तो 1 2 3 4 कैसे है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, ठीक है, ओके बात है। तो इधर भी कितना है, ये भी 1 2 3 4 बराबर ही है। पहले इस नंबर को एज इट इज ऐसे लिख दो, लिख दिया, ठीक है, अब इस 1 के अंदर आप इस 2 को प्लस कर लो, ठीक है, वो यहाँ लिखो, कितना आ गया 1 प्लस 2 3, ठीक है, अब इस 3 में ये वाला 3 प्लस कर लो, ठीक है, उसका लिख दो, कितना आ गया 6, ठीक है, और इस 4 में इस प्लस कर लो, क्या करोगे इसको प्लस कर लो, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, कितना हो गया ये आपका 10 हो गया। अब हमारे पास इन सबको ऐड कर लेना है, पहले तो इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, देखो ठीक है, तो ये सभी मिला के कितने हो गए हमारे 20, ठीक है, कितने हो गए 20 हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इन सबको ऐड कर लिया तो आपका सम 20 हो गया भाई, 10 प्लस 6 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20, ये 20 हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या करते हैं कि हम लोग इसमें एक नंबर छोड़ के ऐड कर देंगे, देखो पहले को छोड़ दो, ठीक है,
फिर इसको ऐड कर दो, ठीक है, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको ऐड कर दो, ओके ऐसे कर लेंगे, फर्स्ट को छोड़ दो, इसको ऐड कर लो, तो 20 में 6 ऐड कर लिया, फिर हमने 3 को छोड़ दिया तो 1 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 27, कितना हो गया बच्चों 27 हो गया हमारा कंप्लीटली, ठीक है, तो इसमें कितना ट्राइंगल बन गया हमारे 27 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 27 ट्राइंगल्स आर फॉर्मिंग हियर, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया कि किस ट्राइंगल को काउंट कर सकते हैं, तो ये वन वीडियो के अंदर आपको काफी सारी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे दी है, क्लियर है बेटा, समझ में आया आप लोगों को, तो थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आप लोग ऑन कर दीजिए कि आपको आने वाले वीडियोस जो है NTSC के मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा, और कमेंट्स करिए क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, थैंक यू।